हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर परफेक्ट नंबर्स, इनमें से कौन परफेक्ट नंबर्स हैं। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट नंबर्स क्या होता है। तो परफेक्ट नंबर्स हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर अगर है x, y, z, तो उसका जितना भी फैक्टर होगा उस नंबर को छोड़ के, यानी x का जितना भी फैक्टर होगा x को छोड़ के, सभी का सम यानी सभी का जोड़ अगर x के बराबर हो जाएगा तो x परफेक्ट नंबर हो जाएगा। जैसे x का जितना भी फैक्टर होगा, फैक्टर्स ऑफ x एक्सेप्ट एक्स, एक्स को छोड़ के जितना भी एक्स का फैक्टर होगा अगर उसको हम लोग जोड़ देंगे तो एक्स जो है परफेक्ट नंबर कहलाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फोर का जितना भी फैक्टर है, फोर का फैक्टर कौन कौन है, वन है, टू है और फोर है, तो फोर को छोड़ देना है। तो फोर को छोड़ के फोर का जितना भी फैक्टर है तो वन और टू है, तो वन और टू थ्री होता है। अगर ये फोर हो जाता सारा फैक्टर जोड़ के तो फोर परफेक्ट नंबर हो जाता, लेकिन फोर परफेक्ट नंबर नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। उसी तरह हम लोग देखते हैं इसमें भी फोर है, तो फोर तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि फोर परफेक्ट नंबर नहीं है, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ सिक्स है, सिक्स का फैक्टर कौन कौन है, वन है, टू है, थ्री है और सिक्स है। ठीक है, तो हम लोग सिक्स को छोड़ के जितना भी फैक्टर है सिक्स का सभी फैक्टर को जोड़ देते हैं, वन टू और थ्री तीनों को जोड़ के होता है सिक्स, तो इसीलिए सिक्स जो है परफेक्ट नंबर हो जाएगा। उसके बाद 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है वो भी हम लोगों को टेस्ट करना होगा। तो 28 का कितना होता है फैक्टर, वन है, टू है, फोर है, सेवन है, फोर्टीन है और 28 है। तो 28 को आप छोड़ दीजिए और उसको छोड़ के जितना भी फैक्टर है सबको जोड़ते हैं, तो 1 प्लस 2 3 4 7 7 14 14 28, इन सभी नंबर को जोड़ के 28 हो रहा है। इसका मतलब है कि 28 भी परफेक्ट नंबर है, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक और चीज़ टेस्ट कर लेते हैं, ऑप्शन डी सही होगा या नहीं होगा, इसमें जो 9 और 25 है ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो देख लेते हैं। 9 का फैक्टर होता है 1, 3 और 9, तो 9 को आप छोड़ दीजिए, 9 को छोड़ के 1 और 3 का सम कितना होगा, 1 प्लस 3 आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 जो है 9 के बराबर नहीं हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आप परफेक्ट नंबर समझ गए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।